नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया लूट का खुलासा। उन्नाव पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में SOG सर्विलांस टीम, थाना हसनगंज पुलिस एवं थाना दही पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26-27 सितंबर 2023 को थाना हसनगंज क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर घटित लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए साजिशकर्ता ममेरे भाई सहित तीन शातिर लुटेरों को कब्जे से लूट के कुल 10,50,000 रुपये, लूट में प्रयुक्त SUV कार A78DD0501 व एक अन्य वैगन आर कार A32RN8648, 02 अदद तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व 07 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 27 सितंबर 2023 को प्लाईवुड व्यापारी श्री अशोक पाल पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम आसत मोहिद्दीनपुर थाना बांगरमऊ उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 26.09.23 को मेरा मुनीम शोभित मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी कस्बा बांगरमऊ जिला उन्नाव, जो अपने दोस्त सुधीश कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी गोरडिया खुर्द आसत मोहिद्दीनपुर के साथ काम के लिए लखनऊ गया था। लखनऊ से मेरा मुनीम शोभित उपरोक्त ₹14,98,000 लेकर एक प्राइवेट गाड़ी SUV UP78DD0501 से बांगरमऊ आ रहे थे, जिसमें पहले से ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति थे, जिन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा को पार करते ही हमारे मुनीम और उसके साथी से मारपीट की तथा रुपये छीन लिए और मेरे मुनीम व उसके दोस्त को उतार दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हसनगंज पर MO00-03-04/23 धारा 394 / 0-V0 बनाम उपरोक्त कार सवार तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु SOG सर्विलांस व अन्य टीमों को सक्रिय किया गया। 24 घंटे के अंदर SWAT प्रभारी निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी मय हमराह टीम, प्रभारी निरीक्षक हसनगंज राजेश सिंह, थानाध्यक्ष दही अनुराग सिंह मय हमराह फोर्स एवं सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1 बीरू सिंह चंदेल उर्फ धीरू पुत्र राजा सिंह NI0 ग्राम इटारा थाना सचैंडी कानपुर नगर, 2 निखिल अवस्थी पुत्र नरेश अवस्थी NI0 ग्राम जहानपुर थाना बीधनू जनपद कानपुर नगर को लूट के 07 लाख रुपये व अवैध 02 अदद तमंचे 12 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस व 06 अदद मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त गाड़ी SUV A78DD0501 को बरामद किया गया तथा मौके पर कुलदीप सिंह शेष लूटे हुए रुपये लेकर पुलिस को देखकर भागा, जिसका पुलिस द्वारा पीछा किया गया परंतु भागने में सफल रहा। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि घटना का षड्यंत्र नवीन वाजपेयी पुत्र रजनीश वाजपेयी NI0 रसूलपुर रूरी थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव के द्वारा अपने साथी कुलदीप सिंह चंदेल पुत्र पप्पू सिंह चंदेल NI0 ग्राम जामू थाना बीधनू जनपद कानपुर नगर के साथ रची थी तथा नवीन वाजपेयी, जो अपने हिस्से के 3.5 लाख रुपया लेकर अपनी गाड़ी वैगन R32RN8648 से घर चला गया है। इस सूचना पर थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा नवीन वाजपेयी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लूट के 3.50 लाख रुपये व वैगन आर कार A32RN8648 तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त नवीन वाजपेयी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि शोभित मिश्रा मेरी बुआ का लड़का है, मैंने ही कुलदीप सिंह चंदेल व उनके साथियों के साथ इस लूट की घटना का षड्यंत्र रचा था तथा मेरे द्वारा ही शोभित द्वारा लाए जा रहे रुपयों की सूचना दी गई थी व उसी सूचना पर कुलदीप व उनके साथीगण द्वारा शोभित व सुधीश उपरोक्त को मारपीट कर 14,98,000 रुपये लूटे थे। अभियुक्तगण से बरामद की गई दोनों चार पहिया गाड़ियों को सीज किया गया तथा साक्ष्य संकलन तथा लूट के रुपयों की बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 411/120 भादवी की बौत्तरी की गई तथा अभियुक्तगण 1 बीरू सिंह चंदेल उर्फ धीरू पुत्र राजा सिंह NI0 ग्राम इटारा थाना सचैंडी कानपुर नगर, 2 निखिल अवस्थी पुत्र नरेश अवस्थी ग्राम जहानपुर थाना बीधनू जनपद कानपुर नगर के कब्जे से बरामद हुए अवैध तमंचो व कारतूस के आधार पर इनके विरुद्ध क्रमशः MO00-03-05/23 व 306/23 धारा 3/25 Arms Act 0 के अभियोग पंजीकृत कराए गए। शेष वांछित अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या मामला था और इसकी किस तरीके से घटना का अनावरण किया? देखिए, 26/27 की रात्रि को जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ आगरा का, वहाँ पे लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना हसनगंज पर 394 धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें कुल वादी के द्वारा जो मुकदमे में लिखाया गया तो उसके 14,98,000 रुपये लूटे गए थे। इसमें हमने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए जो टोल के CCTV फुटेज है उनका अवलोकन किया गया, सर्विलांस की मदद ली गई और उसमें कई टीमों को लगाया गया। कैसे SP साहब के नेतृत्व में CO हसनगंज, SHO हसनगंज, SWAT टीम,
दही थाने की पुलिस टीम कई टीम उसमें लगाया और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए हमें इसमें जो एक्सप्रेस वे का जो टोल प्लाजा था वहाँ से फुटेज मिला गाड़ी का, उसको हमने आगे डेवलप किया, डिटेल्स लिए उसके और उसके सारे हम इस घटना का निवारण कर सके। इसमें टोटल हमने अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, घटना में प्रयुक्त जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी बरामद कर लिया गया और 10.5 लाख रुपये कैश की बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त घटना प्रयुक्त जो असले हैं उनको बरामद किया गया और मोबाइल फोन भी बरामद किया।